नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीएस सिसोदिया और आज हम रिव्यू करेंगे अल्टो 800 2010 मॉडल का। इंडियन मार्केट के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी सन 2000 में और इसकी जर्नी रही थी 2012 तक, मतलब 2012 में डिसकंटिन्यू हो गई थी ये गाड़ी। उसके बाद सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ इसका 2012 में, जो कि इसका सेकंड जनरेशन था अल्टो 800 वाला। लेकिन इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में काफ़ी अंतर है और आज भी सेकंड हैंड मार्केट में ये काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, जिसकी बजट 1.5 लाख से 2 लाख तक का है। आज भी सेकंड मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी कंडीशन में ये वाली गाड़ियाँ मिल रही है। तो इस मॉडल की बात करते हैं हम, ये कौन सा मॉडल है? ये अल्टो एलेक्स मॉडल है। तीन मॉडल आते थे उस टाइम, स्टैंडर्ड, एलेक्स और एलेक्साई। एलेक्साई के अंदर पावर स्टीयरिंग मिलती है अपन को और इसके अंदर अपन को पावर स्टीयरिंग नहीं मिलती है। तो चलिए कंप्लीट बात करते हैं इसकी। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमें क्या मिलता है? फ्रंट में यहाँ पे हमें सुजुकी का क्रोम फिनिश में यहाँ लोगो मिलता है और यहाँ पे क्रोम पट्टी मिलती है और यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प, साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हमें, ब्लैक कलर का बम्पर और इस टाइप की कुछ बड़ी ग्रिल मिलती है यहाँ पे, अंदर रेडिएटर और ये दो हॉर्न दिख रहे हैं आपको, ये इस टाइप की कुछ विंडशील्ड और दो वाइपर मिलेंगे यहाँ पे। आइए साइड की बात करते हैं, साइड में क्या मिलते हैं हमें? साइड में इंडिकेटर हमें यहाँ पे विंग पे मिल जाते हैं, ऊपर यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है और ये ब्लैक कलर का ही मिलता है ओआरवीएम, और डोर हैंडल भी यहाँ पे ब्लैक कलर का ही मिलता है हमें यहाँ पे। आइए टायर साइज की बात करते हैं, तो टायर साइज हमें यहाँ मिलेगी, हमें यहाँ 12 इंची स्टील व्हील वाला टायर, मतलब व्हील मिलता है जिसके अंदर MRF का टायर लगा हुआ है। आगे डिस्क ब्रेक और पीछे वही ड्रम ब्रेक वाला सिस्टम मिलता है हमें यहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 160 mm का है। इस टाइप का लुक दिखेगा पीछे से, काफ़ी पसंद करते हैं इस लुक को नई अल्टो के मुकाबले। ये पीछे ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलेंगे हमें यहाँ पे और ये सेम साइज टायर की हमें जो आगे है वही पीछे मिलेगा। पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे और आगे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। ये ORVM जो है वो ब्लैक कलर में मिलेंगे हमें। वन साइड ORVM का ऑप्शन था, जो LXI मॉडल है उसमें दो साइड ORVM आते हैं। ये पीछे का लुक गाड़ी का, ब्लैक कलर के बम्पर मिलते हैं यहाँ पे, ये सुजुकी का लोगो और ये अल्टो एलेक्स की बेजिंग जो कि सेकंड मॉडल है, इधर मारुति सुजुकी की बेजिंग। टेल लैम्प की बात करें तो काफ़ी वाइड और एग्रेसिव टेल लैम्प मिलते हैं यहाँ पे, हेलोजन हेडलैम्प के साथ, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट इसी के अंदर मिलती है। ये पीछे ग्लास, इस तरह का लुक हमें गाड़ी में दिखता है पीछे। बोनट खोल के देखते हैं कितना स्पेस अंदर। आइए बूट खोल के देखते हैं स्पेस। तो यहाँ दो हाइड्रोलिक सस्पेंशन और इतना बूट स्पेस हमें अल्टो के अंदर मिलता है इस तरह से आगे, और यहाँ नीचे हमें स्पेयर व्हील मिल जाता है सेम साइज 12 इंच वाला। और ये आगे का व्यू, आइए बोनट बंद करके साइड में चलते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड में हमें फ्यूल टैंक लिड मिलेगा जो कि चाबी से ही खुलेगा, और यहाँ हमें मिलता है 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल टैंक के साथ में, जहाँ हमें माइलेज मिलता है 22 से 23 का माइलेज। इस साइड में हमें ORVM नहीं मिलेंगे एलेक्स मॉडल में। आइए पीछे का पैसेंजर साइड बैक साइड वाला डोर खोल के देखते हैं। ये पीछे का पैसेंजर साइड डोर, इस तरह की ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, ठीक ठाक प्लास्टिक का यूज किया हुआ है यहाँ पे कुछ हल्का सा स्पेस। ये मैनुअल पावर, मतलब मैनुअल विंडो का ऑप्शन, और ये डोर लॉक अनलॉक, और यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं हमें इसको नीचे ऊपर करके। इस टाइप की सीटिंग पीछे काफ़ी अच्छी है, सीट कवर बाहर से लगाए हुए हैं। पीछे हेडरेस्ट हमें नहीं मिलते हैं। आइए ड्राइवर साइड वाला पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। इस टाइप की फिनिशिंग है यहाँ पे, सेम जैसे पीछे वाला पूरी कंप्लीट ब्लैक फिनिश है वैसे यहाँ पे है, और इस टाइप का लुक यहाँ देखने को मिलेगा। आइए अब ड्राइवर साइड का डोर खोल के देखते हैं। इस टाइप का डोर,
यहाँ नीचे पेडल्स, और यहाँ से हम बूट खोल सकते हैं आगे का बोनट खोल सकते हैं यहाँ से। ये लाइट लेवलर का बटन यहाँ पे, ये एसी वेंट, एसी मिल जाता है इसके अंदर। और इस टाइप का ये मैनुअल हैंडब्रेक मिलेगा हमें यहाँ पे। गियर बताऊँ आपको, यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाला सिस्टम मिलेगा यहाँ पे। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है। ये एसी के कुछ कंट्रोल्स, हैजार्ड लैंप, और ये स्विच ओनली कुछ काम के नहीं है, केवल ये हैजार्ड लैंप वाला काम का है। ये एसी वेंट्स, और ये कुछ इस टाइप का ग्लो बॉक्स मिल जाता है इतना स्पेस में। और यहाँ पे कुछ स्पेस है आगे, फ्रंट में 2 स्पीकर मिल जाते हैं हमको यहाँ पे। इस टाइप का स्टेयरिंग, 2-स्पोक स्टेयरिंग है, हॉर्न इसी के अंदर है। इधर वाइपर के कंट्रोल्स और इधर लाइट के कंट्रोल्स। आइए मीटर की बात करते हैं। गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है 1,38,765 किलोमीटर, काफ़ी चल चुकी है। और ये इधर वार्निंग लाइट्स, और टॉप स्पीड 180 बता रखी है, लेकिन टॉप स्पीड 140 तक जाती है। इस टाइप का काफ़ी चल चुकी है गाड़ी। ये फ्यूल लेवल मीटर और ट्रिप मीटर भी इसी के अंदर मिलेगा हमको। आइए बोनट खोल के देखते हैं इंजन कितना सीसी का है। ये हमें यहाँ पे मिलेगा 800 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 46 BHP का पावर जनरेट करता है। साथ ही टॉर्क की बात करें तो 62 Nm का टॉर्क इस इंजन के साथ हमें मिलता है। इतना पावर की बात नहीं कर सकते, स्मूथ इंजन है, काफ़ी माइलेज काफ़ी देता है पेट्रोल इंजन के साथ। 22 का माइलेज ये गाड़ी देती है। इस तरह का कंपार्टमेंट यहाँ पे, ये बैटरी मिलेगी यहाँ पे। ये फ्यूज, काफ़ी ओल्ड गाड़ी है लेकिन कंडीशन काफ़ी ठीक है। आइए स्टार्ट करके देखते हैं इंजन की साउंड। स्टार्ट कर, कैसी लगी आपको हमारी अल्टो, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।